आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है पूर्णिमाज किचन एंड ब्लॉग। तो आप सभी को राधे राधे। और आज हम बनाने जा रहे हैं रवा उत्पम, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और बनाने में बहुत ही आसान है। तो आइए जान लेते हैं रवा उत्पम बनाने के लिए किन जैसे सामान की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 2 कप रवा लिया है मैंने, और 2 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर हैं, और 1 कप दही लिया है मैंने, 2 कटी हुई हरी मिर्च ली है, 4-5 उबले हुए आलू हैं, 2 मीडियम साइज के कटे हुए प्याज हैं, अदरक कद्दूकस किया हुआ है, स्वाद अनुसार नमक है, 1 बड़ा चम्मच जीरा है, और ये 1/2 चम्मच काली मिर्च कुटी हुई है, और 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है मैंने। ये सभी इंग्रेडिएंट्स हैं रवा उत्पम बनाने के लिए। रवा उत्पम के लिए 2 कप रवा लिया है, और इसमें 1 कप दही डाल दिया, और अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ कटी हुई हरी मिर्च, 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला है, प्याज कटी हुई डाली है, और 1 इंच का टुकड़ा अदरक कद्दूकस किया हुआ, 1 चम्मच जीरा डाला है, 1/2 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च डाली है, और स्वाद अनुसार नमक डाला है। अपने टेस्ट के हिसाब से नमक लें। अब इन चीज़ों को हमें मिक्स करना है। अब इसमें मैं पानी डाल दूँगी, और पानी हमें थोड़ा थोड़ा ही डालना है, एकाएक इकट्ठे नहीं डालना है, नहीं तो बैटर हमारा अधिक गीला हो जाएगा। तो हमें ये जो बैटर है ये ना ही अधिक मोटा और ना ही अधिक पतला बनाना है, इसे हमें मीडियम रखना है। तो इसीलिए पानी मैं धीरे धीरे डाल रही हूँ, और ये बैटर देखिए हमारा इस तरह से बन करके तैयार हुआ है। इसे हमें मीडियम ही रखा है, ना ही अधिक पतला किया है और ना ही अधिक मोटा किया है। अब इसे मैं अच्छी तरीके से मिला लूँगी ताकि सारे सामान अच्छी तरीके से मिल जाएं। अब इसे 5 मिनट के लिए ढक कर के रख दूँगी, क्योंकि इसको सेट होना है, और 5 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन मैंने हटा दिया। अब इसमें जो आलू उबाल करके रखे हुए थे इसको कद्दूकस कर लिया और इसको इसमें डाल दिया है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए बैटर हमारा रेडी हो चुका है रवा उत्पम बनाने के लिए, और ये बीज का है, ना ही अधिक पतला है ना ही अधिक मोटा है, इस तरीके की कंसिस्टेंसी में हमें रखना है। गैस को मैंने ऑन कर दिया, पैन को मैंने रख दिया है, पैन हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें 1 चम्मच ऑयल लगा लूँगी, और इसमें 1 बड़ा चम्मच पहले डालूँगी बैटर को, फिर दोबारा 1 बड़ा चम्मच डालूँगी बैटर को। आप जितना बड़ा छोटा साइज का चाहें उस हिसाब से इसको बना सकते हैं, और इस तरीके से रोटी के साइज का गोला सा हमें उत्पम को फैला लेना है, हल्के हाथों से फैलाना है। फ्लेम को मैंने मीडियम और लो के बीच का रखा हुआ है, हाई फ्लेम नहीं किया हुआ है, क्योंकि हमें उत्पम को अच्छे तरीके से पकाना है। तो फ्लेम को मीडियम और लो के बीच का रखा है। नीचे से थोड़ा थोड़ा मेरा सिकने लगा है हमारा उत्पम। अब ये कटे हुए जो टमाटर थे उसको मैंने ऊपर से डाल दिया है, और कलछी से इसको धीरे धीरे प्रेस कर दूंगी ताकि ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए। और ये देखिए उत्पम सिकने लगा है नीचे से, और फ्लेम भी मीडियम और लो के बीच रखा हुआ है। ये देखिए हमारा उत्पम अच्छे तरीके से सिकने लगा है। अब मैं इसको पलट दूंगी ताकि दूसरे साइड का भी अच्छी तरीके से सिक जाए। ये देखिए कितना अच्छी तरीके से सिक गया।
रवा उत्पम खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे खट्टी चटनी से, मीठी चटनी से, अपने टेस्ट के हिसाब से जैसे चाहें वैसे खा सकते हैं। ये रवा उत्पम आसानी से बन जाता है। यह सुबह या शाम किसी भी समय नाश्ते में खाया जा सकता है। और ये देखिए, मेरा उत्पम अच्छी तरीके से बन गया है और इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया। अब दूसरा उत्पम बनाऊंगी। ऑयल को मैंने पैन में डाल दिया, 1 चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि नॉन स्टिक पैन है, इसमें अधिक ऑयल की ज़रूरत नहीं लगती है। अब 2 बड़ा चम्मच मैंने फिर से डाला है बैटर को, और इसको हल्के हाथों से धीरे धीरे फैला लूँगी। और फिर उसके बाद कटे हुए टमाटर को डाल दूँगी और इसको कलछी से या चम्मच से, किसी भी चीज़ से इसको धीरे धीरे प्रेस करके दबा दूँगी, ताकि ये उत्पम में अच्छे तरीके से सेट हो जाए। टमाटर चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, प्याज भी स्किप कर सकते हैं। अगर जो लोग प्याज नहीं खाते हैं वो ना डालें, प्याज को भी स्किप किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमारा उत्पम रेडी हो रहा है, नीचे से सिक गया है अच्छी तरीके से। इसको मैंने पलट दिया। अब दूसरे साइड को भी हमें पकाना है। ये देखिए, हमारा उत्पम बन करके रेडी हो गया है, खाने के लिए बिल्कुल ही तैयार है, देखने में भी अच्छा है, सुंदर है। तो लीजिए, खाइए और बताइए कैसा बना है। यम्मी यम्मी रवा उत्पम। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।